हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन गवर्नमेंट जॉब पर। डेली जीके डोज के अंदर ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। आज भी हम डेली की तरह कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन होंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो सुनने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को आगे से आगे शेयर कर देना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? एक बुक का नाम है, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है। गोदान किसकी रचना है? ये है मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, इस क्वेश्चन से बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन किसने चलाया? कूका आंदोलन चलाया था गुरु राम सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? अब यहाँ से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन रिवाइज कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको कराया था, नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग के अंदर है? तो नागरिकता का उल्लेख है भाग नंबर 2 में। ठीक है, और मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग के अंदर है? तो वो है भाग नंबर 3 के अंदर। ठीक है, हमारा संविधान कितने टाइम में बनकर पूरा हुआ था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, और वो दिन कौन सा था? 26 नवंबर 1949। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि संविधान बनके तैयार कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949, और पूरे देश में लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। ठीक है, और संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने कितने सत्र आयोजित किए? तो आंसर आएगा आपका 11। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिए और रिवाइज भी करवा दिए। अभी आपको 2 भाग याद रखने हैं। संविधान के भाग नंबर 2 में उल्लेख है नागरिकता का। ठीक है, नागरिकता का मतलब होता है कि भारत में कितने राज्य हैं? 29। 29 के 29 राज्यों में सिर्फ एक राज्य को छोड़कर, कौन सा? जम्मू कश्मीर। भारत के 28 राज्यों के अंदर एकल नागरिकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता का मतलब वहाँ के जो नागरिक है वो ये भी बोलते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, और साथ में वो ये भी बोलते हैं कि हम जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं। लेकिन हम हरियाणा से हैं तो हम यही बोलते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं, कभी हम ये नहीं बोलते कि हम हरियाणा के नागरिक हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के अंदर एकल नागरिकता है, और जम्मू कश्मीर के अंदर दोहरी नागरिकता है। और भाग नंबर 3 के अंदर क्या है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। ठीक है, हिकेटियस को बोला जाता है भूगोल का जनक, यानी कि फादर ऑफ जियोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो सौरमंडल में ग्रह कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति ग्रह, सबसे भारी ग्रह है सौरमंडल का। नेक्स्ट है, क्यूबा की राजधानी क्या है? अब कल वाली वीडियो अगर आपने अच्छे से सुनी होगी तो सेम ऑप्शन लिए हैं, ताकि मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवा सकूँ और कैपिटल भी याद हो जाएगी आपको। वेलिंगटन किसकी राजधानी थी? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और करेंसी क्या है? डॉलर। ठीक है, और कल कराया था मैंने मैसिडोनिया, मैसिडोनिया की राजधानी थी शोपजे, और करेंसी क्या है? दिनार। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और करेंसी क्या है? यूरो। अब क्यूबा की राजधानी है हवाना, और करेंसी क्या है? पीसो। आज दोबारा मैंने ऊपर वाली सिर्फ हेडिंग चेंज की थी, कल भी यही ऑप्शन लिए थे ताकि मैं आपको ये याद करवा सकूँ, क्योंकि एक बार सुनने से आपको चीज़ें याद नहीं होगी, जब वही चीज़ आप दोबारा सुनोगे तो वो आपके दिमाग के अंदर पूरी तरीके से फिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कितना समय लगता है। तो ये लगता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। ठीक है, याद रखना ये। पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह पर जीवन की संभावना है? तो वो ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से मुझे कमेंट करिए, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अगर आप चाहो तो नासा के बारे में डिटेल में लिख सकते हो, जैसे नासा की फुल फॉर्म, नासा की स्थापना, और नासा का हेडक्वार्टर, और नासा का चेयरमैन। ठीक है, ये आपको 4 क्वेश्चन नासा के बारे में लिखने हैं, ताकि आपकी जीके ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाए। अगर वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपके स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप हो, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, वो आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करना। डेली शाम को 7 बजे मैं आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू।